रशिया विजिट के बाद रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी अगस्त एंड में यूक्रेन विजिट पर जाने वाले हैं। रशिया के साथ साथ इंडिया अपने सोवियत ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स के स्पेयर्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए यूक्रेन पर भी डिपेंडेंट है। सो कुछ कंपोनेंट्स और पार्ट्स की अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए इंडिया को मॉस्को और कीव के बीच एक इक्विलिब्रियम बना के चलना पड़ता है। इंडियन नेवी की दो तलवार क्लास फ्रिगेट्स INS सुशील और INS तमाल की रशिया के यंतर शिपयार्ड लिमिटेड में मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। इनफैक्ट INS सुशील ऑलमोस्ट रेडी है और अगर सब कुछ ऑन द शेड्यूल चलता है तो सितंबर में इस फ्रिगेट के इंडिया को डिलीवर होने के चांसेस हैं। INS तमाल को रशिया फरवरी 2025 में डिलीवर करेगा, बट इन दोनों फ्रिगेट्स की कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी में बहुत सारे हर्डल्स आए हैं। जैसे ओरिजिनली इनकी डिलीवरी 2022 में प्लान थी, बट कई इश्यूज जैसे कि COVID-19, इंडिया रशिया के बीच पेमेंट इश्यूज और इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इनकी डिलीवरी में करीब अब 2 साल का डिले होगा। नाउ वॉर की वजह से एक तो इनकी कंस्ट्रक्शन पर इफेक्ट पड़ा और दूसरा वॉरशिप के इंजन्स की प्रोक्योरमेंट के इश्यूज। 2014 में जब क्रीमिया की रशिया में रीयूनिफिकेशन हुई तो रशिया और यूक्रेन के आपसी संबंध तभी बिगड़ चुके थे और यूक्रेन ने रशिया को किए जाने वाले एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया था। नाउ इन फ्रिगेट्स में जो टर्बाइन इंजन्स यूज होने थे वो यूक्रेन की जोरिया मैश प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाने थे, बट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से रशिया इन टर्बाइन इंजन्स को डायरेक्टली यूक्रेन से प्रक्योर नहीं कर सकता था। सो 2019 में इंडिया ने इस इशू को सुलझाने के लिए इंटरवीन किया और यूक्रेनियन गवर्नमेंट को इंजन्स प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट की, जिसके बाद इंडिया ने इंजन्स को डायरेक्टली प्रक्योर किया और यूक्रेन की परमिशन के बाद उनको रशिया ट्रांसफ़र किया। सो सीधा सीधा कहें तो यूक्रेनियन टर्बाइन इंजन्स की प्रक्योरमेंट इंडिया की फ्रिगेट्स की टाइमली डिलीवरी के लिए बहुत क्रूशियल थी और अगर यूक्रेन इनकी डिलीवरी में और डिले करता तो ये तो श्योर था कि इन फ्रिगेट्स की डिलीवरी टाइमलाइंस और हिट होने वाली थी। बात करते हैं इन यूक्रेनियन बेस्ड जोरिया मैश प्रोजेक्ट इंजन्स की। इन इंजन्स की इंपॉर्टेंस को देखें तो इनको सिर्फ इन्हीं वॉरशिप्स में ही यूज़ नहीं किया गया है, इंडियन नेवी की बहुत सारी वॉरशिप्स को यही इंजन पावर दे रहे हैं। करंटली इंडियन नेवी की 34 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स में यही टर्बाइन्स फिटेड हैं और 34 वॉरशिप्स में हर शिप में 4 टर्बाइन के हिसाब से टोटल 136 जोरिया टर्बाइन्स इंस्टॉल्ड हैं। कौन कौन सी वॉरशिप्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वीर क्लास की 10 मिसाइल कैरिंग कॉर्वेट्स, इसके बाद रशियन बिल्ट 6 तलवार क्लास फ्रिगेट्स और एडिशनल 4 तलवार क्लास फ्रिगेट्स, देन 5 राजपूत क्लास फ्रिगेट्स और दिल्ली और कोलकाता क्लास शिप्स में भी इन यूक्रेनियन जोरिया टर्बाइन्स का ही यूज़ किया गया है। और जो हमने एडिशनल 4 तलवार क्लास फ्रिगेट्स की बात की, एक्चुअली 2014 में इंडिया ने रशिया के साथ 4 वॉरशिप्स की कंस्ट्रक्शन के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया था और 2018 में फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 4 में से 2 की कंस्ट्रक्शन रशिया में, जिनकी हम बात कर चुके हैं, और 2 की प्रोडक्शन इंडिया में गोवा शिपयार्ड द्वारा की जाएगी। और अभी लास्ट वीक गोवा शिपयार्ड द्वारा 2 में से पहली फ्रिगेट INS त्रिपुत को लॉन्च किया गया था, जिसके अभी ट्रायल स्टार्ट होंगे। सो देखा जाए तो इंडियन नेवी की वॉरशिप्स के मेजॉरिटी प्रोपल्शन सिस्टम्स इम्पोर्टेड हैं और अभी तक टर्बाइन इंजन को इंडिजिनसली डेवलप करने के लिए इंडिया के एफर्ट्स कोई रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। बट इसके साथ ही गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE द्वारा कावेरी इंजन के एक नेवल वेरिएंट को डेवलप किया गया है और करंटली इसको नेवी के विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम में टेस्ट किया जा रहा है। बट फिर भी फ्यूचर में नेवी को अपनी प्रोपल्शन नीड्स के लिए इम्पोर्ट्स पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा जब तक इंडिया अपना कोई प्रूवन प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप नहीं कर लेता। जोरिया टर्बाइंस की बेसिक मेंटेनेंस विशाखापट्टनम की नेवल फैसिलिटी INS एक्सिला में होती है, बट कंप्लीट ओवरहॉलिंग प्रोसेस यूक्रेन में ही होता है। और अब वॉर की वजह से सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, बट 2022 में जोरिया मैश प्रोजेक्ट द्वारा इंडिया में एक फैसिलिटी का सेटअप किया गया था जिसका नाम है जोरिया मैश प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये फैसिलिटी टर्बाइंस की इंडिजिनस रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग और स्पेयर सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। लास्ट ईयर कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम्स, जो कि भारत फौज की फुली ऑन्ड सब्सिडरी है, उसके द्वारा
जोरिया मैश प्रोजेक्ट की इस इंडियन आर्म जोरिया मैश प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था और दिसंबर में इसका एक्विजिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। सो पहले कोविड और इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दो शिप्स की डिलीवरी में डिले हुआ, बट इंडियन नेवी की ये दो वॉरशिप्स रशियन फैसिलिटी में बिल्ड होने वाली लास्ट दो वॉरशिप्स होंगी। इसके बाद सभी वॉरशिप्स को इंडिया में ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इंडियन नेवी की टोटल 68 वॉरशिप्स ऑर्डर पर हैं, जिनकी एक्विजिशन कॉस्ट करीब 2 लाख करोड़ होने वाली है।